पाकिस्तान के गृह मंत्री रहमान मलिक आज पहुंचेंगे 3 दिन की भारत यात्रा पर। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के साथ मुलाकात में उठ सकता है 26/11 आतंकी हमलों के मामले में हाफिज सईद के प्रत्यर्पण का मामला। बड़ी परियोजनाओं के बारे में जल्द फैसला लेने और मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में निवेश संबंधी केंद्रीय समिति का होगा गठन। अब तक नीलाम नहीं हुए 2G स्पेक्ट्रम के लिए नई आरक्षित कीमत को मिली हरी झंडी। नई यूरिया निवेश नीति को भी मिली मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहुप्रतीक्षित भूमि अधिग्रहण विधेयक को दी मंजूरी। निजी योजनाओं के लिए आवश्यक भूमि खरीदने में 80% और सार्वजनिक निजी उद्यम के लिए 70% भूमि मालिकों की होगी सहमति जरूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल से भूमि अधिग्रहण विधेयक के पारित होने के एक दिन बाद वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि सरकार आर्थिक सुधारों की गति में तेजी लाने और निवेशकों का मनोबल बढ़ाने के लिए उठाएगी और भी कदम। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज। यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत विभिन्न दलों के शीर्ष नेता प्रचार अभियान में जुटे। पहले चरण में 68% मतदाताओं ने किया अपने मताधिकार का इस्तेमाल। पदोन्नति में आरक्षण विधेयक का मामला गरमाया। समाजवादी पार्टी शासित उत्तर प्रदेश में 18 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी विधेयक के विरोध में हड़ताल पर गए। 100 करोड़ रुपए की कथित वसूली की कोशिश करने के मामले में जी समूह के प्रमुख सुभाष चंद्रा के अपने वकील की मौजूदगी में लाई डिटेक्टर टेस्ट से गुजरने के अनुरोध को दिल्ली की अदालत ने किया स्वीकार। हालांकि अदालत ने जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी और जी बिजनेस के संपादक समीर आहलूवालिया की पॉलीग्राफिक जाँच की मांग करने वाली दिल्ली पुलिस की अर्जी कर दी खारिज। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया। ये मुठभेड़ बांदीपुरा के जंगलों में उस समय हुई जब सुरक्षा बल के जवान गश्त लगा रहे थे। नक्सलियों के पास से असला और गोला बारूद भी हुआ बरामद। आयातकों द्वारा डॉलर की मांग बढ़ाए जाने के अलावा स्थानीय शेयर बाजारों में शुरुआती कारोबार में आई कमजोरी से भी रुपए में कमजोरी आई। निवेशकों द्वारा की गई बिकवाली से बॉम्बे शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 19 अंक टूटकर 19,211 पर खुला। पिछले 5 सत्र में करीब 258 अंक टूटा। निफ्टी भी 8 अंक टूटकर 5,843 पर खुला। इसराइल में चुनाव होने से महज 5 सप्ताह पहले विदेश मंत्री एविगडोर लिबरमैन पर लगे फर्जीवाड़े के आरोप। इसराइल के अटॉर्नी जनरल यहूदा विंस्टीन ने लिबरमैन पर इन आरोपों की घोषणा की। हालांकि उन्होंने गंभीर आरोपों को छोड़ दिया। उधर लिबरमैन ने कहा कि इन आरोपों के खिलाफ लड़ेंगे और अपने वकील से सलाह करने के बाद ही करेंगे इस्तीफा देने पर विचार। मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा समर्थित मिस्र के राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी और धर्मनिरपेक्ष विपक्ष ने निर्णायक नए संविधान को लेकर किया जोरदार प्रचार। जनमत संग्रह के समर्थकों ने एक वीडियो भी जारी किया। उधर विरोधी ऑनलाइन कैंपेनिंग कर रहे हैं और संविधान के विरोध में वोट देने की अपील कर रहे हैं। संविधान पर जनमत संग्रह शनिवार से शुरू होगा। सीरिया में बीते 21 महीने से जारी हिंसक संघर्ष में सीरियाई सरकार के साथ खड़े रहे रूस ने कहा है कि इस लड़ाई में विद्रोहियों की जीत हो सकती है। रूसी विदेश उपमंत्री ने असद शासन के हारने की आशंका जताई। पहली बार रूस के किसी वरिष्ठ पदाधिकारी ने इस तरह का बयान दिया। नागपुर टेस्ट में इंग्लैंड की पारी 300 के आंकड़े की ओर। प्रायर और रूट ने जड़ा 8 शतक। सुबह के सत्र में भारत ने झटके 2 विकेट। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल सत्र के अंतिम बैडमिंटन प्रतियोगिता यानी BWF सुपर सीरीज फाइनल्स में लगातार 2 हार के साथ प्रतियोगिता से बाहर। ग्रुप बी के अहम मुकाबले में थाईलैंड की गैर वरीय खिलाड़ी रत्ना चौक इंतानोन ने महज 34 मिनट में 21-13 21-16 से हराया। आज है फिल्मकार राज कपूर का जन्म दिवस। भारतीय सिनेमा के शोमैन ने कई यादगार फिल्में बनाई और अपने अभिनय का जादू बिखेरा। हिंदी सिनेमा को वैश्विक स्तर पर दिलाई पहचान।